बीते कुछ सालों में इंडियन सिनेमा के अंदर सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना डीप घुस चुका है, चाहे तुम बात कर लो एलसीयू की, केजीएफ यूनिवर्स की, कॉब यूनिवर्स या फिर वाईआरएफ की, स्पाई यूनिवर्स की। लेकिन इन सब में मैं बोलूं सबसे पुरानी और एक लार्जर देन लाइफ एक्शन वाली सिनेमैटिक यूनिवर्स अगर कोई है तो वो वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स ही है। इसके कई सारे रीजन है। खैर, वाईआरएफ की अगली फिल्म टाइगर 3 आ रही है, तो 5 थिंग्स जो टाइगर 3 को देखने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए, जिसमें टाइगर 3 को क्या खास बनाती है इस स्पाई यूनिवर्स के अंदर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। नंबर 1, सेट पैटर्न। हमने अभी तक जितनी भी मूवीज स्पाई यूनिवर्स के अंदर देखी है उन सब की स्टोरी का एक सेट पैटर्न रहा है, जिसमें वो विलन को स्टोरी के शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं थोड़ी एक्शन और बूम तरीके से, फिर एक स्पाई और फीमेल स्पाई की एंट्री और इनके बीच थोड़ा लव रोमांटिक वाला तड़का, देन फिर बैक टू बैक एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्टोरी कंटिन्यू होती है, फिर लास्ट में जाके ऐसा मूवमेंट आ जाता है जहां स्पाई विलन का द एंड कर देता है। ये एक सेट पैटर्न है इस यूनिवर्स के अंदर। एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, इन सब में यही पैटर्न चलता आया है, और टाइगर 3 के ट्रेलर को देखकर भी यही लगता है कि सेम यही पैटर्न इस मूवी के अंदर भी होने वाला है, जहां इमरान हाशमी की कैरेक्टर को शुरुआत में इंट्रोड्यूस करा देंगे, उसके बाद आगे की स्टोरी चलेगी एज ऑलवेज जैसे स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी चलती है। नंबर 2, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडियन सिनेमा के अंदर सिनेमैटिक यूनिवर्स का रिवॉल्यूशन आ चुका है, एलसीयू, केजीएफ यूनिवर्स, कॉब यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स, लेकिन इन सब में वाईआरएफ ही इस लिस्ट को टॉप करता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि अपनी ये पुरानी इवेंट को लेते हुए आ रही है 2013 से एक था टाइगर के साथ, और दूसरा जो स्पाई यूनिवर्स के अंदर होता है एक लार्जर देन लाइफ वाला एक्शन सीक्वेंसेस विद हाई बजट फिल्में। एक था टाइगर ऑलमोस्ट 200 करोड़ में बना था, वो भी साल 2013 में, और टाइगर जिंदा 340 करोड़ की हैवी बजट के साथ बनी थी, और साथ ही वॉर और पठान। अब तुम सोच ही सकते हो कि किस लेवल की हाई बजट की फिल्में और लार्जर देन लाइफ वाला एक्शन सीक्वेंसेस इस यूनिवर्स के पास है। लेकिन इन सब के बावजूद सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी और स्पाई यूनिवर्स का रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर रहा है कलेक्शन के हिसाब से, जिसके अंदर की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है विथ एन एवरेज 6.0 IMDb रेटिंग। और फिर अगर और चाहिए तो भाई इसकी स्टार कास्ट ही देख लो, एक भी छोटा नाम तुमको इस स्टार कास्ट में नहीं मिलेगा, सभी बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं बॉलीवुड के अंदर, जिसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, जो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग के साथ आते हैं। इस लेवल की स्टार कास्ट स्पाई यूनिवर्स के पास है। सलमान खान, ऋतिक रोशन, एसआरके, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और क्या बोलूं, इमरान हाशमी। नंबर 3, एक्शन थ्रिलर जॉनरा। हाल फिलहाल में ही इंडियन ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है, अभी सिर्फ ये लोग एक्शन थ्रिलर और मासी मूवीज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें खूब सारा एक्शन हो, थोड़ी रोमांस हो और फुल मासी कंटेंट, जिसमें तुम थिएटर के अंदर हुल्लड़बाजी और सीटी मार सको, जिसका एग्जांपल अपन ने बीते कुछ समय में देख ही लिया है। जवान, पठान, RRR, KGF 2, पुष्पा, ये सभी ऐसी फिल्में हैं जिसके अंदर भर भर के तुमको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा। नंबर 4, एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइगर 3 का कैमियो। ऐसे कई सारे रूमर्स तुमको मार्केट में मिल जाएंगे कि SRK और ऋतिक रोशन का कैमियो टाइगर 3 के अंदर होगा, लेकिन ये बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स एक प्री प्लान्ड यूनिवर्स है जो अपनी शेड्यूल्स के हिसाब से चलना पसंद करती है, जहां इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर 3 के बाद सीधे वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान ही होने वाला है। और ये बात तो थोड़ी और सच्ची लगने लगती है कि SRK और ऋतिक रोशन का कैमियो टाइगर 3 में देखने को मिल जाएगा, और जब SRK एस पठान टाइगर में एंट्री करेंगे तो थिएटर का रंग रूप तो देखने लायक होगा। और ये बात भूलनी भी नहीं चाहिए कि SRK का स्टारडम इस साल पर पीक पर है। SRK अपनी पिछली दोनों फिल्मों को हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनाकर आ रहे हैं, और तीसरा ऑन द वे है डंकी। और वैसे भी सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखना कौन नहीं चाहेगा भाई, जहां ये इनकी जोड़ी फुल नॉस्टैल्जिया वाली यादें ताजा कर जाती है इन पुरानी फिल्मों के साथ। नंबर 5, रिलीजिंग टाइम। टाइगर 3 को रिलीज करने का जो समय चूज किया है वो काफी परफेक्ट लगता है, क्योंकि सबसे पहला दिन 12 नवंबर, वो भी दीपावली, और ऊपर से संडे का दिन, और एक दो दिन को गैप करके भाई दूज के साथ 2-3 दिन और छुट्टी रहती है, फिर तो उसके बाद सेकंड वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि प्रॉपर एक वीक टाइगर 3 को मिलेगा हॉलीडे वाला, और आई थिंक ये वहीं पर ही अच्छी खासी कमाई करके निकल जाएगी। कौन जाने ये शुरुआत में ही कितने रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगी। तुमको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन मुझे जरूर से बताना कमेंट्स में। और हां, जब तुम टाइगर 3 के लिए इतना एक्साइटेड हो और इस वीडियो को यहां तक देख ही लिया है, तो भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है।